देखिए दोस्तों, स्मार्ट डेस्कटॉप एआई में जो भी बंदा अपने अपलाइन के डिटेल सबमिट तो किया है, लेकिन बहुत सारे लोग फर्जी अकाउंट डाल दिया है। मतलब उसको वेरिफिकेशन के लिए वाइजगी अकाउंट होना ज़रूरी है। तो चलिए, वाइजगी अकाउंट कैसे हम लोग बना सकते हैं, आज हम लोग उसमें ही देख सकता है। तो देखिए, एक खुशखबरी है कि मेरा पेंडिंग कमीशन भी $120 शो करना स्टार्ट हो चुके हैं। और चलिए, सबसे पहले आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है, इन्फॉर्मेशन जहाँ पे आप लोग सेंड किया था। और इसमें देखिए, इसमें आप लोगों को दोबारा क्या क्या चीज़ डालना है, एक बार ध्यान से सुनिए। फिर स्पॉन्सर कोड डालना है, स्पॉन्सर ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो है। और इसमें ये जो चीज़ है, ये अलग चीज़ है जो आपको वॉइस में जो भी आप अकाउंट बनाओगे उसका जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से नेम रहेगा वो डालना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कंट्री डाल के आपको सबमिट करना है। और जो बंदा के पास बिल्कुल वॉइस अकाउंट नहीं है, उसके लिए क्या करना होगा, नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जे सिंपल सी बात लिखा हुआ है, डोंट हैव ए वॉइस अकाउंट क्लिक हियर। मतलब हमारा पास तो वॉइस अकाउंट नहीं है, तो हमें पहले इसमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगी तो आपके सामने वॉइस के अकाउंट के लिए क्रिएट योर वॉइस अकाउंट, तो सबसे पहले फास्ट इंटर योर ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपकी ईमेल एड्रेस डालने की ज़रूरत है। तो मैं ही अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया है। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगी तो देखिए, व्हाट काइंड योर अकाउंट, सेंड योर मनी ग्लोबली, गेट पेड फ्रॉम अबॉर्ड, यहाँ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है क्लिक करना है, तो आपने क्लिक कर दिया है। अब देखिए, आपका कौन सा कंट्री से, आप इंडिया से तो इंडिया, पाकिस्तान से पाकिस्तान, जैसे हमारा इंडिया का हम लोग है तो लोगो शो हो रहा है, जिसका नहीं है इसमें क्लिक करके अलग अलग कंट्री आप ले सकता है। अब क्या करना है हमें, अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगी तो आपकी मोबाइल नंबर मांगेंगी, जो आपकी मोबाइल नंबर है, तो मैं अपने मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। नंबर डाल दिया, और उससे पहले आप देखना अपने कंट्री जो कोड है ये शो कर रहा है। उसके बाद आपको करना है सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करना है, तो कर दिया। तो मेरा दूसरा मोबाइल पे वो सिम है मेरा लिए, तो यहाँ पे जो ओटीपी आएगा मुझे अभी डालना पड़ेगा। तो बिल्कुल आ चुके हैं, इसका ओटीपी है 599362। जैसे आ गया तो हमें सबमिट पे क्लिक करना है। मैं सबमिट में जैसे क्लिक दिया, तो इस बार आपको पासवर्ड बनाना है, एक स्ट्रांगली पासवर्ड बना लेना, मैं बना देता हूँ। मैंने स्ट्रांग पासवर्ड बना लिया है, और आपको उसके बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये आपकी कंटिन्यू है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कर दोगी तो देखिए जो आपका ये आ चुके हैं। और इसमें क्या करना है, जस्ट वेस्ट में आपको क्लिक करना है, इसमें आपको क्लिक करना है एक बार। जैसे ही आप क्लिक कर देगी, वेस्ट ज्वाइन हो गया है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा बैक आना है, इसमें को एक बार क्रॉस करना है, और आपका डैशबोर्ड आ गया। और आप देखिए, इसमें आपको क्लिक करना है एक बार माय अकाउंट पे जाके, और आपको इसमें सेटिंग पे जाके देख सकता है सारे चीज़ आप। ये देखिए सेटिंग भी है आपके पास, ये सारे के सारे चीज़ शो कर रहा है। लेकिन हमें क्या, कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है फिनिश अकाउंट सेटअप, ये आप लोग देख रहे हैं फिनिश अकाउंट सेटअप, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगी तो आप देखिए, ये बिजनेस के लिए है ना, पर्सनल के लिए है, ये तो हम लोग पर्सनल अकाउंट बनाएगी, तो ये पर्सनल के लिए आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगी, आपको चल रहा है आपका यहाँ पे लीगल नेम पूछ रहा है, फुल लीगल फर्स्ट एंड मिडिल नेम, यहाँ पे जो आपका नाम है, तो मेरा नाम जो फुल लीगल फर्स्ट एंड मिडिल नेम है, तो मैं डाल देता हूँ एमडी खलीलूर। और इसमें लीगल आपका लास्ट नेम जो है वो डालना है, तो मेरा नाम है रहमान, ये भी डाल दिया।
अब रही डेट ऑफ बर्थ की, तो डेट ऑफ बर्थ जो है आपको इस बार ये तीनों कलम में पहले आपको डेट मंथ ईयर, तो मैं फटाफट डाल देता हूँ, टप कर लेता हूँ, सारे चीज़ को डाल दिया हो। इस बार आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे अगेन क्लिक करना है। कंटिन्यू पे हम लोग क्लिक कर दिया। इस बार आपको ऑक्यूपेशन क्या है, प्रोफेशनल आप क्या देना चाहता है, जैसे स्टूडेंट तो स्टूडेंट, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बाद मुझे कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगी तो देखिए आपकी ये वाइज अकाउंट बन के पूरे की पूरे तरीके से रेडी हो गया। आप लोग देख सकता है जहाँ हम इसे इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए इस बार हमें जाना है, कहाँ पे जाना है हमें, स्मार्ट डेस्कटॉप एआई। हम लोग स्मार्ट डेस्कटॉप एआई पे आ गया, तो इसमें आपको फिलअप करना है मेरा स्पॉन्सर कोड जो है, इसमें फिलअप करना है, और साथ में आपका मुझे मेरा स्पॉन्सर ईमेल आईडी जो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी दे के रखा है, और इसका भी आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की, और मेरा फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, और जो असली चीज़ है आपने जो अकाउंट बनाया है अभी यूएस नेम अकाउंट जो बनाया है आपने, तो उसमें आपको डालना है जो आपको वाइज के अकाउंट नाम उसमें डालना है। और देखिए इसमें इंटरनेशनल वाइज ईमेल सब कुछ है, तो मैं इसका भी दिखा देता हूँ आपको। तो चलिए इस बार आप लोगों को फुल डिटेल्स में दिखा देता हूँ, ऐसे आपको बनना है। जैसे आप लोग मेरा ही स्पॉन्सर से ज्वाइन है, तो सबसे पहले आपको मेरा रेफरल स्पॉन्सर कोड जो है इसमें डालना है। तो इसमें क्या डालना है, 66 डालना है और 59 डालना है, 79 स्पॉन्सर ईमेल आईडी, मेरा जो ईमेल आईडी है उसमें डालना है, तो आप सभी को पता है जो मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दिया। स्पॉन्सर फर्स्ट नेम, स्पॉन्सर लास्ट नेम, तो मेरा फर्स्ट नेम है एमडी खलीलूर, खलीलूर डालना है, और लास्ट नेम में रहमान डालना है, रहमान डाल दिया। उसके बाद ये इस पेज यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यूएस नेम अकाउंट यूएस, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है, इसमें आप लोग ध्यान रखिए, इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना है, आपको नीचे आना है। इसमें आपको देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इंटरनेशनल नेम ऑफ अकाउंट, इसमें आपके जो भी नाम पे आपने डाला है, एग्जांपल जैसे मेरा नाम पे अभी वॉइस अकाउंट बनाया है एमडी खलीलूर रहमान, मैंने डाल दिया। और उसके बाद फिर आपने जो अभी जिस ईमेल पे वॉइस बनाया है, ठीक है, यानी सेम यही ईमेल पे होगा आपके, जिसमें स्मार्ट एआई में जिसमें रजिस्ट्रेशन है उसमें भी वॉइस अकाउंट बनाना है, तो उसमें मेरा फिर से जो भी अकाउंट है मैं एक बार डाल देता हूँ, इंटरनेशनल अकाउंट जो है, तो मैंने ये भी डाल दिया है। और इसके बाद कंट्री में इंडिया डालना है, इंडिया डालना है। उसके बाद आप सभी को ये सबमिट करना है, इतना ही काम है दोस्तों। तो सभी साथी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने अपने टीम को शेयर करें, और ये वॉइस अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे डिटेल्स फिलअप करना है, जब आप आपका टीम को दोगी तो आपकी स्पॉन्सर से वो डालेगा। और मेरे साथ जितना लोग जुड़ा हुआ है ये मेरा स्पॉन्सर है, आपको इसी तरीके से अभी डालना है। तो मुझे आशा करता हूँ जे मैं आशा करता हूँ जो सभी साथी को क्लियर हो गया, और सभी साथी इसके अभी फिलअप कर लीजिए। उसके बाद 17 तारीख तक पेमेंट के ऑप्शन क्या आएगा, INR में होगा ना USDT में होगा, तो जो भी चीज़ आएगा उसके लिए हम लोग बता देगा। अभी क्या हो रहा है, कंपनी इस अकाउंट को बिल्कुल सही तरीके से वेरीफाई कर रहा है, यानी KYC की प्रोसेस नहीं किया है, क्योंकि KYC की प्रोसेस बहुत लंबी होता है, लेकिन उन्होंने ऐसा चीज़ लगा दिया है जो वाइज में एक ही ईमेल पे एक ही आईडी बनेगा, और वेरीफाई होगा, मोबाइल नंबर भी लगेगा, तो एक ही आईडी बन पाएगा। तो सभी साथी से रिक्वेस्ट है जो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने जो भी फॉर्मेलिटी है पूरा करें।